हे एवरीवन, वेलकम यू इन योयो फूडी। तो आज हम आए सुभाष नगर रिच पॉइंट पे। तो हम देखते हैं ये क्या रिच फ्लेवर देते हैं और मैं टेस्ट करके बताऊंगी इनका फूड कैसे। पहले देख लेते हैं मेकिंग क्या। और अच्छा, पहले ही वॉश वगैरह करके आपने रख लिया है इसका? हाँ जी, इसको पहले सफाई करके और रखा है। इसमें कोई मतलब इसको साफ सफाई करके रखा है इसको। अच्छा, अभी जैसे ऑर्डर आता है ना तो रेडी करके देते हैं मैम। क्या बनाने की तैयारी कर रहे भैया? ये चिल्ली चिकन। चिल्ली चिकन? हाँ जी, चिल्ली चिकन लाएंगे। अब क्या प्रोसेसिंग करोगे? इसका मसाला तैयार करना है। बनाते थे, अभी रेडीमेड ही लाया है क्योंकि मिक्स थोड़ा ना खराब की वजह से। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये अंडा भी जाता है इसमें और थोड़ा हरी मिर्च चॉप करके रखी है। हरी मिर्च है और थोड़ा नमक ये अजमा इसको मिक्स करना पड़ता है। अंडा डाल के अंडा और इसका मसाला जो भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का थोड़ा चॉपिंग और नमक और एक टेस्टिंग पाउडर होता है ये डाल के और थोड़ा अरारोट और थोड़ा सा मैदा और फिर कलर डाल के इसके पकौड़े बनते हैं चिल्ली चिकन के। चिकन पहले तैयार करके रखते हैं, फिर धोधा के रखते हैं, फिर ऑर्डर आता है ना कटिंग करके, फिर ऐसे मैरिनेट करके इसको फिर तेल में फ्राई करते हैं। इसको पहले हाफ डाउन करते हैं, फिर फुल फ्राई करके फिर इसका ग्रेवी बना के देते हैं। थोड़ा मैदा है वो पहले डाला है ना, वो आरा रोड था। और ये है फूड कलर, थोड़ा कलर भी ऐड करना पड़ता है क्योंकि इससे देखने में अच्छा लगता है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं अच्छी हूँ। तो भैया, ये शॉप का नाम क्या रखा है आपने? एक्चुअली शॉप का नाम हमने रखा है रिची रिच फूड पॉइंट, जहाँ पे आपको वेज आइटम से लेके नॉन वेज आइटम सारे मिल जाएंगे। इधर आपको मोमोस अच्छे लगते हो या पिज्ज़ा अच्छा लगता हो, आप पिज्ज़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं और मोमोस भी ले सकते हैं। हमारे पास जो वैरायटी है, वेज चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज मोमोस स्टीम, फ्राई वेज मोमोस, वेज कुरकुरे मोमोस, वेज ग्रेवी मोमोस, स्ट्रीट फूड और मोमोस वगैरह सब एक शॉप में अवेलेबल, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। तो मिनिमम प्राइस क्या रहता है? मिनिमम हमारा 30 रुपीज स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम हमारा 220 तक जाता है। तो मतलब ये एड्रेस क्या रहता है, मतलब आपकी शॉप का एड्रेस? एड्रेस की हम बात करें तो आप नियर बाय सुभाष नगर से मेट्रो स्टेशन पर आकर पता कर सकते हैं कि रिची रिच फूड पॉइंट कहाँ पर है। और एक्यूरेट लोकेशन में बताऊँ तो पैसिफिक मॉल गेट 1 से आपको थोड़ा सा जस्ट पहले आना है, जहाँ पे आपको बाहरी आउटलेट दिख जाएगी। हाँ, मतलब साथ में ही है जी, बिल्कुल। तो एक बार मुझे ये बता दो कि लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी आपको? अभी लोगों का रिस्पांस तो अच्छा ही आ रहा है क्योंकि भगवान की दुआ से कारीगर हमारे पास अच्छे हैं और टेस्ट भी अच्छा है। बट प्राइस थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन ठीक है, बस हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारा बने, प्राइस की कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। और टाइम कितना हो गया आपकी शॉप? टाइमिंग हमारी रहती है दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
और इवन हम अभी अगर काम बढ़ेगा तो अपनी टाइमिंग चेंज भी करेंगे, 11 AM से लेकर 12 PM तक करेंगे। अच्छा, मतलब जी 12-13 घंटे चलने वाली है। इस शॉप को ओपन हुए टाइम कितना हो गया भैया? अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट 3 महीने हुए हैं। अच्छा, 3 महीने हो चुके हैं जी, तब भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब अगर मॉल के पास, मॉल में अगर किसी को थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो भैया के पास आके खा सकते हैं, क्योंकि सारी वैरायटी अवेलेबल है। सारी वैरायटी होगी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो लोग पैसिफिक मॉल में घूमने आते हैं उनको वैरायटी जो होती है, जो उनको खाना होता है उसका कॉस्ट होता है ज़्यादा। हाँ। तो वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाके खाएं, आइटम हमें सस्ता भी मिलेगा, रीजनेबल भी होगा और हम पेट भर के खाएंगे। टेस्ट तो आप आके खुद ट्राई करिए, हमारे पास कारीगर इतने अच्छे हैं कि आप एक बार ही खाएंगे फिर बार बार आएंगे। इधर से ठीक है।